आप बहुत वीडियो देखते हो यूट्यूब पे लोगों की, ये समझाते हैं आपको टूरिस्ट वीजा चालू हो गया, वीजा चालू हो गया, दुबई आ जाओ, फलाना ढिमका, फालतू बात है यार। देखो मेरे हाथ में अब एक कार्ड, दो, तीन, और ये जो है वीजा के बारे में। तो गाइस आप देख रहे हो मेरे पीछे ये टूरिस्ट एजेंसी है, तो यहाँ पे वीजा निकलता है 3 मंथ का, 1 मंथ का। पर मैं आज काफ़ी जगह घूमूंगा, 3-4 जगह जाऊंगा, तो आप मुझे मतलब जो वीडियो बनने वाला है ये बनने वाला है कि आप दुबई कैसे आए टूरिस्ट पे, वो कितना खर्चा आता है टोटल। तो मैं खाली एक जगह पे नहीं, तो मैं काफ़ी जगह पे जाऊंगा, मालूम करूंगा रेट क्या रेट है, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो गाइस ये पूरा अभी हम लोग लक्की राउंड के पास में है, तुम देख रहे हो, तो मैं आपको है ना सब बताऊंगा, वो थोड़ा वेट करो यार ज़्यादा। तो गाइस ये देखो सामने आप, अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ मालूम करेंगे रेट क्या है। रिटर्न का मानो के वीजा 3 महीने का है, और हो सकता है कि फिर यहाँ पे जॉब लगाए, डमी बनाने का है। दोनों कितने का आएगा, कौन सी फ्लाइट है, एयर एयर इंडिया एक्सप्रेस। अभी मालूम पड़ा हमने वीजा ले लिया, टिकट ले लिया, एयरपोर्ट गए दिल्ली पे, वहाँ फिर वैक्सीन वापसी करते, सारा पैसा वेस्ट जाएगा ना, तो वैक्सीन लगवा ले तो ठीक रहेगा ना। दो वैक्सीन है, कोविशील्ड। अच्छा अच्छा तो गाइस अभी हम मतलब यार यहाँ पे लोग है ना अजीब गरीब आदमी है यहाँ पे, मतलब इतना मालूम नहीं। आप बहुत वीडियो देखते हो यूट्यूब पर लोगों की, ये समझाते हैं आपको टूरिस्ट वीजा चालू हो गया, वीजा चालू हो गया, दुबई आ जाओ, फलाना ढिमका, फालतू बात है यार। रियल बात मैं तुम आपको बता रहा हूँ, अभी देखो मैं जब फर्स्ट बार गया दुकान पर, तो मैंने उसे मालूम किया टिकट कितने का है दिल्ली टू दुबई का, ठीक है। और फिर मैंने मालूम किया कि वैक्सीन वगैरह कैसा हिसाब है, तो भैया ने बोला था, पहले वाले भैया ने, कि अगर आप दुबई से दिल्ली से दुबई आते हो तो आपको 2 वैक्सीन लाजिम है, ठीक है। अब 2 वैक्सीन लगने के बाद फिर उसके 15 दिन के बाद आप दुबई आओगे, उससे पहले नहीं आओगे, ठीक है ना। फिर हम गए दूसरी शॉप पर, एक शॉप और थी, ये भी भाई साहब इंडिया से ही है, तो हमने उनसे मालूम किया जो रेट है वीजे का, वीजा का रेट तो सेम सेम है दोनों दुकानों पे, ठीक है ना। लेकिन बट अभी किनके पास दोबारा गए हम लोग, तो भैया बोले कि अगर आप दिल्ली से दुबई आओगे तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, बिना वैक्सीन का आ जाओगे, अगर वहाँ से आप आओगे शारजहाँ तो फिर वैक्सीन लगनी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कहने का यही है, अभी उनको ठीक तरह से मालूम नहीं है, जो अंदर वीजा निकाल ले टिकट निकाल ले लोगों का, जब उनको ठीक तरह मालूम नहीं है तो हो लोगों क्या मालूम होगा। तो मैं है ना आपको ये बता रहा हूँ कि आप समझो बात को, और ऐसे किसी के बातों में मत आओ भाई, अपना फालतू खर्चा ना करो। अभी मालूम पड़ा आपको, लगा आपने बोला किसी ने बिना वैक्सीन के आ जाओ वीजा चालू है तो भाई फंस जाओगे। तो मैं ऑलरेडी देखो अभी रखे राउंड पर घूम रहा हूँ, आज देख रहे काफ़ी लोग भीड़ यहाँ पर लगी पड़ी है। तो मेरा मेन मकसद आज यही है कि मैं आज आपको दुबई मतलब बताऊंगा कैसा आना आपको, ठीक है ना, लाइव प्रूफ करके, तो किसी की बातों में आपको आना नहीं है। तो अभी हम चलते हैं तीसरे शॉप पर, देखते हैं वहाँ क्या फिल्म होती है। तो गाइस ये ब्लॉग पूरा देखना, अगर आप दुबई आना चाहते हो, आपके भाई बहन रास्ता दादा दादी नन्ना नानी जो भी आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। बाद में ये ना हो कि आपका वीजा निकाल लो, टिकट निकाल लो, बाद में आपको एयरपोर्ट पर आओ, फिर वहाँ से आपको वापसी कर दें, ठीक है ना। तो समझो वीडियो पूरा देखो एंड तक। अभी इसके पास जाके फिर उन सबको डिवाइड करके एक जगह पे आपको बताऊंगा कि रियल क्या है। बट ऑलरेडी मैं अभी 4 शॉप पे घूम चुका हूँ, और चारों में है ना सबका एक अलग अलग हिसाब है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे हो गए घूमते घूमते, तो इसके बाद थोड़ा भूख लगा, अभी होटल पे आए थे नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद मैं आपको वीडियो का एंड करूँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या क्या फिल्म है, क्योंकि यार सबकी एक अलग फिल्म है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में आओगे ना तो आपका बेहू को बढ़िया बना देगा आराम से, कैसे आराम से उतार लेगा, लेकिन घबराने नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा सेफ है ना, अभी आपको बताएगा पूरा 1 by 1 कर। तो गाइस ऑलरेडी 3 घंटे हो गए घूमते घूमते। गाइस ये सब आपके लिए यार, क्योंकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, वीडियो अच्छी मिले, और आप हमारे वीडियो को मतलब हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये चाहते हैं, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। बाकी गर्मी के तो आप पूछो मत यार, बड़ा बेहाल है। लेकिन इन 3 घंटों में है ना आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, इन 3 घंटों में आपको बताऊँगा क्या फिल्म है, ठीक है ना। देखो सर तो अंधेरा हो गया पूरा एकदम, 3 में आए थे और काफ़ी टाइम भी हो गया घूमते घूमते। तो गाइस यार घूमते घूमते 3 घंटे हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर क्या है आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, किसमें आपका फ़ायदा हो जाए। अभी देखो मेरे हाथ में आप, ये 1 2 3 4 5 3 कार्ड 2 पर्स है,
तो ऑलरेडी इनके ऊपर पूरा प्राइस लिखा हुआ है, कितने मंथ का, कितने रुपए का वीजा है और कितने रुपए का टिकट है, कौन सी वैक्सीन लगवानी है और कौन सी नहीं लगवानी है, कैसे दुबई आना है आपको। क्योंकि हमारे इंडिया वाले भाई बेचारे बहुत ही सीधे होते हैं, किसी की बातों में आके अपना कटवाते हैं, समझ रहे हो ना। बहुत आदमी ऐसे यार आपको वीडियो बताते हैं यूट्यूब पे, दिखाते हैं घर बैठे बताते हैं, आ जाओ दुबई आ जाओ, वीजा चालू हो गया आ जाओ। अरे यार पूरी बात तो बताते करो उनको कि क्या वीजा चालू हुआ क्यों हुआ। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, जब मैं फर्स्ट बार पहले दुकान पे गया, एक भैया ने बोला हमको कि आपका 3 मंथ का वीज़ा वो होगा 850 में, ठीक गाइस 850 में, और आप वैक्सीन लगवाई है और दुबई आई है, उन्होंने ये बोला है, ठीक है ना। फिर हम गए दूसरी शॉप पर, उनको उन्होंने हमको क्या बोला कि भैया अगर आप दिल्ली से दुबई आते हो तो वीज़ा तो सेम है 850 दिरहम का, इन वहाँ पर दिल्ली से दुबई आओगे तो वैक्सीन खली वली कोई ज़रूरत नहीं है, अगर दिल्ली से आओगे शारजहाँ तो आपको वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। तो भाई ये कौन सा रूल हुआ, तो समझ गया ये आदमी किसी काम का नहीं है, समझ गया। फिर हम तीसरी दुकान पर गए, उन्होंने एक अलग बताया। फिर हम गए चौथी दुकान पर, तो उन्होंने भी एक अलग हिसाब बताया। लेकिन गाइस ये आप देख रहे हो 3 कार्ड मेरे ऑलरेडी मेरे हाथों में है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 3 मंथ वीज़ा कितने रुपये का है, आप कैसे आओगे दिल्ली टू दुबई, मतलब इंडिया से कहीं भी लोगे वीज़ा तो आपको मिलेगा 3 मंथ का वीज़ा 850 दिरहम में, 3 मंथ का वीज़ा, ठीक गाइस। अगर आप आओगे 1 मंथ के लिए तो 1 महीने का वीज़ा आपको मिलेगा 450 दिरहम में, ठीक गाइस समझ गए। मतलब अभी बात करते हैं टिकट की, टिकट की जब आप पहली बार दुबई आते हो टूरिस्ट वीज़ा पर, तो आपको क्या होता है कि जो मतलब दिल्ली से दुबई का टिकट आने और जाने का टिकट का प्राइस आपका मैक्सिमम बताया इन्होंने 850, मतलब कम जाते हैं, तो मैक्सिमम मान चलो कि 800 दिरहम का टिकट, ठीक गाइस, और 850 का तुम्हारा आपका वीज़ा दो ही होगा 1600 दिरहम, मतलब 1600 दिरहम में आप दुबई आ सकते हो। तो कोविडशील्ड एक वैक्सीन है वो आपको लगवानी है, स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हो, ठीक है ना। जब आप पहली बार दुबई आते हो तो वीडियो है ना उनके लिए जो पहली बार दुबई आ रहा है, नए विजिट वालों के लिए, ठीक है ना। तो आपको पहले एक वैक्सीन लगवानी है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, और फिर उसके 21 दिन के बाद दूसरा डोज लगता है। तो जब आपकी पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन कंप्लीट हो जाए, दूसरी वैक्सीन के ठीक 15 दिन के बाद आप यहाँ दुबई में आ सकते हो, उससे पहले आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है ना। अभी बहुत लोग आपकी जगह बैठे होंगे कि भैया आओ हमारे साथ, हम तुमको दुबई भेजेंगे, हम भेजेंगे दुबई, तो कोई नहीं भेजने का क्योंकि दुबई है, यहाँ के कानून बड़े सख्त है, तो भाई ढेले होने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी की बातों में मत आए, जो रियल है उस पर सर्च करें, समझे, फिर दुबई आए। फालतू किसी को भी अपना ऐसे पैसा मत दो, क्योंकि यार आपने वैक्सीन लगवा लिया, वीज़ा निकाला और आप दुबई आ गए, ठीक गाइस। दुबई के बाद अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहता है, भाई बहन चाचा चाची ताऊ ताई जो भी हो, अगर यहाँ पे रहता है तो आपका कम पैसों में काम हो जाएगा, ठीक है ना, और जॉब भी मिल सकती है आपको, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार अकेले आ रहे हो दुबई में, आपको कोई नहीं है, तो भाई साहब अपनी जेब पूरी पक्की करके आना, ठीक गाइस, क्योंकि बाहर महंगाई के ज़माना है, दुबई है, यहाँ धिरम चलती है धिरम। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो ज़्यादा खर्चा भी होता है। अभी आप ये कह रहे होगे सोनू भैया आपने इनका नंबर क्यों नहीं दिया किसी भी शॉप वालों का, तो ऑलरेडी मेरे हाथों में आप कार्ड भी देख सकते हो, सबका है ये कार्ड भी है और इनका फ़ोन नंबर एड्रेस फुल है। तो मैं ऑलरेडी जो ब्लॉग बनाता हूँ मैं आपको सब बताता हूँ वीडियो में कि कितना मतलब आप कैसे आओगे, फ़ोन नंबर देख के देता हूँ मैं आपको। लेकिन क्या मैं इस वीडियो में किसी भी एजेंट ट्रैवल एजेंसी का आपको फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा दोस्तों, इसकी एक वजह होती है क्योंकि दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल होता है, उसमें आप लोग हम पे भरोसा करते हो, हमारे वीडियो देखते हो, और फिर साथ में क्या होता है दोस्तों, अगर मैंने आपके इनका नंबर दे भी दिया कहीं तो कहने कहीं आप गलत हो जाओगे, कहने कहीं वो गलत हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये होता है ऑनलाइन, आप इंडिया में ये दुबई में, फिर आप बोलोगे भैया हमको पैसा दिया मैंने, मतलब इसमें मिलाने कहना मतलब है कि बहुत सोचबाजी है। तो गाइस वो मैं आपको करना नहीं चाहता, भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा बताऊँगा कि आप वीजा है ना ऑनलाइन निकालो, अगर यहाँ पे 850 है तो आपको वहाँ पे सस्ता मिलेगा ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हो, और वीडियो देख के अब एक ऐप्स है उस पर ऑनलाइन अपना वीज़ा और ऑनलाइन आप अपना जो ये होता है टिकट निकाल सकते हो, वो आपको कम रेट पड़ेगा और आपका जेन्युइन होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको किसी की कोई सपोर्ट हेल्प देने की जरूरत नहीं है, खाली आपने मेरा वीडियो देख लिया है, वीजा के बारे में आपको मालूम पड़ गया, टिकट कितने का आपने वो भी देख लिया है, क्योंकि मेन चीज़ में यही होता है कि वीज़ा कितने का, टिकट कितने का है। अब इंडिया में आप किसी के पास जाओगे वो आपको क्या बोलेगा, कैसे रूटेगा, उससे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन समझो बात, जो मैंने आपको बताया जेन्युइन ये है,
तो गाइस बस मेरा आज यही मेन टॉपिक था कि मैं आपको वन बाय वन करके बताऊं, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे है ना कि मैं डर थी दोस्तों की सोनू भाई बताओ दुबई आना, हमको दुबई के बारे में बताओ, जॉब दिलवाओ। तो गाइस मैंने ऑलरेडी आज आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखा दिया इस वीडियो पे। तो दोस्तों आई होप आपने पूरी तरह से वीडियो देख भी लिया, समझ भी लिया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे तो आपको अधूरी वीडियो बना के दिखाते हैं, लेकिन अपना काम दोस्तों जो होता है एकदम रियल लाइफ प्रूफ के ऊपर होता है कि आपको बताना है एकदम। तो गाइस आई होप आपने पूरी तरह से वीडियो देख लिया है, समझ लिया है। बाकी गाइस अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मेरे से तो आप डायरेक्ट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैं आपसे वहाँ डायरेक्ट बात करूंगा। बाकी तुम्हारा भाई सोनू सेफ है, आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। बस गाइस मैं अभी वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ, और मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो का एंड में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार सा लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री में आना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू, लव यू, बस।